हेलो प्यारे बच्चों, कैपेसिटर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से नेक्स्ट सेक्शन हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका सीरीज में पढ़ना है बच्चों। तो मान लो कि टीचर के पास तीन अलग अलग कैपेसिटर हैं बच्चों। ये बैटरी हो गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। कैपेसिटर का मतलब होता है दो टर्मिनल में से एक का नाम हेड रख दो, एक का नाम टेल रख दो और इस तरह से इनको अरेंज कर दो। हेड टेल फिर हो जाएगा हेड फिर हो जाएगा टेल। ये क्लास 10th में अपन ने फाउंडेशन पढ़ा हुआ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का, ठीक है। तो सीरीज में पहचानना इतना टफ काम नहीं होता है बच्चे के लिए। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे आप प्लस का चार्ज अपने आप समझ जाओगे कैसे आ रहा है ये बच्चों। इसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का टर्म आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा है हम लोगों ने। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इसकी वजह से इस पे प्लस आ जाएगा और नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। और सबके मैग्नीट्यूड पे आप नजर देखो, कहीं पे Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा हुआ है, सेम चार्ज है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह बताया जा सकता है कि इन सीरीज उतना ही चार्ज इसने यहाँ से रिलीज किया होगा ना बच्चों, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया होगा इसने, तो वही यहाँ पे दिख रहा है और वही यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। इन सीरीज सेम चार्ज, ठीक है, अपीयर्स ऑन ईच कैपेसिटर्स। अभी वैसा डिबेट नहीं करना है कि सर चार्ज पास होगा कि नहीं होगा, अभी मान लो फुल्ली चार्ज हो चुके हैं ये लोग, दैट मींस यहाँ चार्ज अपीयर होना शुरू करेगा, उसकी वजह से इन दोनों एंड पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे चार्ज का टर्म है और कैपेसिटी होती है प्यारे बच्चों Q/V, और तीनों के पास ये टर्म क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो आप बात समझो ना कि C इनवर्स ऑफ V होता है। ये मैंने एक बार बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आपको बताया था मैकेनिकल डिवाइस वाला। तो सपोज किसी का V ज्यादा होगा तो कैपेसिटी कम होगी, या V कम होगा तो कैपेसिटी ज्यादा होगी। ऐसा झगड़ा नहीं करना कि सर चार्ज सेम है तो वोल्टेज भी सेम कर दो और बाकी चीजें पढ़ो मत। सिर्फ चार्ज मैंने यहाँ पे सेम बोला है, ठीक है। और ये वी है, इसको तीनों लोग बांट लेंगे। जैसे घर में हमारे कोई पेरेंट्स सामान लेकर आते हैं, अपन तीन सिबलिंग्स रहे हैं तो तीनों अपने अपने हिसाब से अपना अपना शेयर रख लेते हैं, बराबर तो देता नहीं कोई किसी को, है ना। तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा जो V है ना बच्चों, वो हो जाएगा V1 के पास गया, V2 के पास गया और V3 के पास गया। जब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो समझना सीख जाओगे आप लोग कि जिसके पास क्या है, कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, उसका पोटेंशियल कम दिखना शुरू होगा। तो इसको बाद में अपन रेशियो वाले प्रॉब्लम में जल्द से जल्द लगाना शुरू करेंगे। अभी बेसिक थ्योरी पर ध्यान दो आप कि जो नेट है वो किस पे जा रहा है, तीन लोगों पर जा रहा है। इन तीनों को मिला करके अगर मैं कह दूं कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी तो बनाई जा सकती है, जिसके यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, क्यों हो रहा होगा और यहाँ पे माइनस का क्यों टर्म होगा। और उसको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, वो पुरानी वाली बैटरी वी से, जिसके अंदर जो कैपेसिटी है ना वो सी इफेक्टिव कैपेसिटी बन जाएगी, ठीक है ना। और वी का अपने आप में कंसेप्ट होता है वी इज इक्वल टू Q/C, और ये वी कौन सा है, टोटल वाला है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू। इससे भी क्यू जा रहा है बच्चों, इस वाले डायग्राम में देखो ये दोनों डायग्राम सेम ही है। तो Q डिवाइड बाय C की जगह पे हो जाएगा C इफेक्टिव, और ये हो जाएगा Q उसके पास भी है, फर्स्ट वाले के पास है ना, Q1 नहीं करना बच्चों। और यहाँ हो जाएगा C1, सिमिलरली ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय C2, और यहाँ हो जाएगा Q डिवाइड बाय C3। चार्जेस को आप अलग कर दीजिए और आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया है कि जब भी सीरीज से पढ़ाएगा टीचर आपको तो हो जाएगा 1/C इफेक्टिव will be 1/C1 + 1/C2, और ऐसे करते करते जितने भी लोग लगे हैं ना उनको अपन ऐसे अजम्पशन में साथ ही साथ फॉर्मूला बना के लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे अपन बना लेते हैं कि जब जब दो कैपेसिटर्स लगे हों इस तरह से, ठीक, और ये हो जाए C1 ये हो जाए C2, ये लिखा है यहाँ पे इस सीरीज में। और याद रखो ऐसा भी होना चाहिए कि C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो जल्दी से आपको अगर C इफेक्टिव पता करना हो ना प्यारे बच्चों, तो याद कर लो फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, वो यहीं से मिल रहा है बच्चों। अपन ने एलसीएम लिया और ऊपर से इसको शिफ्टिंग करना शुरू कर दी, तो ये भी एक फॉर्मूला अपना तैयार होता है। और ये जो जनरल फॉर्मूला है वो भी अपने को समझ में आ रहा है। दो बातें यहाँ से अपन लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, जो चार्ज होगा वो सेम होगा, तो लिख देता हूं मैं चार्ज फ्लो विल बी सेम। ध्यान रखना ये थोड़ा डिबेट वाला पॉइंट है, क्योंकि जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा ना ये, तो चार्ज वहां से फ्लो होना बंद कर देगा। ये इनिशियल चार्ज जो बना है ना उनपे, वो सेम बोला है टीचर ने यहाँ पे। सिमिलरली जो पोटेंशियल्स के टर्म है वो डिवाइड हो जाएंगे, तो पोटेंशियल
ठीक है, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, ये आइए बच्चों, ठीक है आइए पैरेलल पढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पैरेलल में पढ़ना है अपन को, ठीक है, कैपेसिटीज हमारी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। ऐसा अजम्पशन में रख लो सबसे इजी फॉर्म में कि तीन कैपेसिटर्स हैं अलग अलग वैल्यूज के और एक ये वी का टर्म है। मान लो बच्चों ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, तो देखो ये वी का टर्म हो गया तो यही वाला वी पॉजिटिव यहां मिलना शुरू हो जाएगा और ये स्टंप पे वी नेगेटिव, जो कि इन तीनों में वही चीजें सेम पोटेंशियल पे जा रही होंगी। अब क्योंकि ये बैटरी है तो एक नेट चार्ज रिसीव करेगा, इसको कह देना आप लोग प्लस, और यहां से रिलीज करेगा ये माइनस का क्यू। अभी आगे आके करंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे इक्वल चार्ज देना शुरू करता है। ये प्लस दिया यहाँ पे और यहाँ पे इसने माइनस देना शुरू किया कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए। अब सोचो यहाँ से कोई रिवर वगैरह फ्लो होती है, उसके तीन पाथ हो जाएंगे, तो तीनों पे क्या होगा बच्चों, अलग अलग चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। तो इससे जाने वाला चार्ज हो गया क्यू वन, यहाँ पे हो गया बच्चों लोग क्यू टू, और इसके पास क्या हो गया क्यू थ्री। तभी तो क्यू वन का प्लस टर्म यहाँ मिल रहा है, क्यू टू के लिए यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और क्यू थ्री जो आपका है वो यहाँ पर दिखना शुरू होगा। देखो यहाँ पे क्यू थ्री का टर्म मेंशनड है, समझ आ रही है बात। तो इसको देखकर अपन क्या लिख सकते हैं कि इन पैरेलल जो चार्ज होता है ना, चार्ज गेट्स डिवाइडेड, ठीक है, बट पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। पोटेंशियल डिफरेंस कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है यहाँ पे, ऑल कैपेसिटर्स, ठीक है बच्चों। तो दो बातें यहां मैं बोल देता हूं, आपके पास जो नेट चार्ज था वो तीन लोगों ने रख लिया, Q1 और बोलो बच्चे लोग Q2, और ये आ गया हमारे पास Q3। कैपेसिटीज की लेंथ दुनिया में ये कितना होता है बच्चों, Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V, सिंपल हो रहा है ये। और ये पूरी की पूरी कहानी ऐसे भी बताई जा सकती है कि तीनों को मैंने क्या कर लिया, इफेक्टिव निकाल लिया, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये वही वाला V है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, V पॉजिटिव V नेगेटिव, और यहाँ आ गया आपका कैपेसिटी इफेक्टिव वाली, इन तीनों के मिला के जो बन रही है उसी पे अपन को इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो इसकी जगह पे क्या आएगा बच्चों, नेट चार्ज तो यहाँ पर भी क्यू मिल रहा है और यहाँ से माइनस क्यू जा रहा होगा, तो इसको देख के यहाँ बताओ मुझे, ये हो जाएगा सी इफेक्टिव और वी का टर्म आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा सी वन इंटू वी, इसका टर्म हो जाएगा सी टू इंटू वी, और ये हो जाएगा सी थ्री इंटू वी। तीनों के पास कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है, और उसी पोटेंशियल को अलग कर दो आप, ये हो गया अलग, तो आंसर आ रहा है अपने पास C effective is equals to C1 plus C2 plus C3। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटीज जब पैरेलल में होती है ना बच्चों, तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूले किसी की जरूरत ही नहीं है, जितने लोग लिखे हो ना तो ऐसे हाथ पे रख के वैसे का वैसे ही एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, तो कोई शॉर्टकट तो बनता नहीं है इसका यहाँ पे। ये क्या हो रहा है आंसर, ये हो गया C1, ये हो गया C2, और कितने लोग हैं उसी के हिसाब से Cn कर लो, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपन को ये बोलता है कि कैपेसिटी सीरीज में आप बताओ भैया, तो सीरीज में कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, वो जाता है वन अपॉन सी ऑफ सीरीज, ठीक है, एक टॉपिक पहले पढ़कर आए हो आप लोग, वन अपॉन सी वन हो रहा है, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन सी टू, और इसको करते करते हम लोग यहाँ तक ले आएंगे वन अपॉन सी एन। तो ये दो बातें हम लोगों ने अभी सीख ली है। और पैरेलल में एक पॉइंट और बनता है बच्चों यहाँ पे, कि जब बहुत सारे कैपेसिटेंस लगे हो ना पैरेलल में एक जैसे, जैसे मान लो ये कैपेसिटी लगी हुई है, फिर से एक कैपेसिटी है, ऐसे करते करते बहुत सारे कैपेसिटीज कनेक्टेड हैं, समझ में आ रही बात बच्चों, इसकी वैल्यू भी सी है, ये भी सी है, और ये भी सी है, बहुत सारे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑफ पैरेलल, याद कर लो आप, हाथ से गिन लेना कितने हैं, ये वन टू थ्री फोर जितने हैं वो लिख दिया यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ सी, ठीक। और ये अगर अपन को ये बोलेगा सीरीज में पढ़ा दो सर हमको, तो क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटी लगी है बच्चों, फिर एक कैपेसिटी है, फिर एक कैपेसिटी, ऐसे करते करते दुनिया भर की कैपेसिटी लगी हुई है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अप टू एन, और सबकी वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ सबको सेम कर दोगे ना आप, तो फॉर्मूला मिल जाएगा सी ऑफ सीरीज में, याद रखना बच्चों, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, एक की वैल्यू लिखनी है और डिवाइड लगाना है कितने हैं ये, तो ये हो जाएगा एन। इस फॉर्मूले को याद रखें, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट बन जाएंगे, और एक बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन पे ना कुछ बुलेट पॉइंट्स अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले कहता है फॉर अ गिवन वोल्टेज टू स्टोर मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करनी है ना, तो कैपेसिटर्स को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करो। ऐसा करने के पीछे मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी ना बच्चों पैरेलल में क्या होती है, एन टाइम्स ऑफ एक सिंगल वैल्यू हो जाती है अगर अपने पास बहुत सारे सेम कैपेसिटर्स होते हैं तो। और या जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कि सर ये तो ऐड होता चला जाता है C1 प्लस C2। चलो बच्चों कॉम्बिनेशन टॉपिक के कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला कहता है फॉर अ गिवन वोल्टेज, किसी एक वोल्टेज पर अगर ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी स्टोर करानी है तो कैपेसिटर्स को ना क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। इसके पीछे वजह क्या है बच्चों, कैपेसिटी पैरेलल में जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, C1 लिखा C2 लिखा और कहां तक लिखोगे कि सर जितने सारे हैं हमारे पास, तो पोटेंशियल तो वहां पे क्या हो गया से कांस्टेंट हो जाता है पैरेलल में, और एनर्जी का टर्म है ना वो ज्यादा मिलने लगता है क्योंकि आप एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके आए हुए हो बच्चों। एनर्जी फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 CV² होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है ना, जैसे जैसे आपका सी बढ़ेगा वैसे वैसे वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करना शुरू करेगा, ये इसका रीजनिंग है प्रॉपर। फिर आते हैं बात आइडेंटिकल वालों के पास, अगर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और हर एक की वैल्यू वी है, ठीक है, तो सीरीज में, ठीक है, सीरीज द ब्रेक डाउन वोल्टेज टू द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वी। इसके बारे में बात समझो, ये सेकेंड पॉइंट समझा रहा हूं मैं, अगर टीचर के पास एक कैपेसिटर है फिर एक कैपेसिटर है और ऐसे करते करते मेरे पास दुनिया भर के कैपेसिटर है, कितने हैं बच्चों, अप टू क्वेश्चन के हिसाब से एन, ठीक है, और हर एक अपने हिसाब से वी पोटेंशियल पे जिंदा रह सकता है। ब्रेकडाउन का मतलब है द वर्स्ट पॉसिबल वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड। तो आप सोचो ना बच्चों एक बार कि अगर सर ने यहाँ बैटरी वगैरह लगा भी दी तो क्या होगा, बैटरी अगर देखो वी 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 है तो एन टाइम्स ऑफ वी तक तो झेल जाएगा ये, है ना, तो वही यहाँ पे लिखा है सीरीज में जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा वो एन वी के बराबर होगा। और पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कैपेसिटी आपके पास आई, फिर से एक कैपेसिटी आई, फिर से बच्चों एक कैपेसिटी आई और सबकी वैल्यू सी सी और सी है, तो आप क्या कहोगे कि सर अगर बैटरी पे लगा भी दोगे आप 50 कैपेसिटर ला के कहीं बाजार में से तो भी क्या होगा, सबके पास सेम वी पोटेंशियल आ रहा होगा। तो पैरेलल में ऐसा नहीं करना है कि V बाय N कर दिया या N V कर दिया, बच्चों समझना इस बात को, है ना, ये 10th क्लास वाला नहीं चल रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड करा काम चल गया, है ना, कंसेप्ट सीखो यहाँ पे V है ये, ठीक है ना। फिर है टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड, ये डायग्राम है इसका, और लूज वायर से इसको कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे Q है और इसके पास माइनस Q है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी इसके पास Q होगा और यहाँ पे क्या होगा माइनस Q, आप चार्ज दोगे ना तो इस एंड पे क्या होगा V पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा V नेगेटिव, इस साइड से पॉजिटिव और इस साइड से नेगेटिव, तो ये दोनों के दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फाइनल जो चार्ज हमारे पास बनेगा ना सिस्टम पे वो बच्चों बन जाएगा जीरो, वही यहाँ पे बोला है फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी जीरो। मेरे कहने का मतलब है रिवर्स में कनेक्ट कर दिया है ना तो ये अपने आप को डिस्चार्ज कर लेंगे, सिंपल सा ये कंसेप्ट है यहाँ पे। फिर कहता है अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हों तो सीरीज का आंसर होता है सी बाय एन, ये बताया था मैंने आपको 10 मिनट पहले ही, और पैरेलल का आंसर होता है कुछ नहीं करना है जोड़ते चलो बस, ठीक, तो सीरीज में और पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाएगा सी प्लस ऐसे करते करते सी होगा तो कितना हो जाएगा ये n टाइम्स ऑफ सी, और इसका क्या होता है 1/C हो जाएगा, ये 1/C प्लस 1/C ऐसे करते करते दुनिया जहां तक जोड़ना होगा, तो बेसिकली ये हो कितना रहा है सी ऑफ एस बच्चों, ये हो जाएगा एक की वैल्यू लिखो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो ये अगर दो फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन जहाँ पे C2 C3 C दिया होता है वो जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाएंगे, और हम भी एक्सरसाइज पार्ट में इसको पढ़ेंगे कि कैसे इनको बहुत जल्दी और बहुत सारे मेथड से लगाया जाए। अब ये बेसिक पॉइंट्स बनते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, और ये टॉपिक बन रहा है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बुलेट पॉइंट्स। ओके बच्चों।